सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल हीरो गायब मोड ऑन में इन दिनों बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरह से वीर और शिवाय असुरों का सामना कर रही हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए मिली वो शुक्राचार्य का शिवाय को देखना। जी हाँ, अब यहाँ पर शुक्राचार्य शिवाय को देख कर बहुत ही हैरान होते हैं कि ये लड़का उस वक्त भी हुआ करता था और ये आज भी है, यानी इसका मतलब है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। वेल, इसी ट्विस्ट के शो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो गया है। वहीं दर्शक भी शिवाय की हिस्ट्री जानना चाहते हैं। अब एक और शुक्राचार्य ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि शिवाय आखिरकार कौन है। तो वहीं इन्हीं सब चीजों को लेकर काफी सारी थ्योरीज सामने आ रही है, जिसमें एक और ये भी कहा जा रहा है कि शिवाय शुक्राचार्य का ही शिष्य रहा है। जी हाँ, वहीं कुछ थ्योरीज में ये भी आया है कि शिवाय एक एलियन हुआ करता था या फिर एक एलियन है, और इसी तरह की तमाम चीजें सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच जो एक थ्योरी आ रही है सामने वो है काफी ज्यादा मजेदार, जिससे शिवाय की ये पहेली सुलझती हुई आएगी नजर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बता दे कि शो की शुरुआत में सभी ने देखा था कि जब असुरों और देवताओं के बीच हो रहा था युद्ध, ऐसे में देवता हारते जा रहे थे और असुर जीतते जा रहे थे। ये सब देख कर, इतनी बुराई बढ़ते देख कर, वहां पर महादेव प्रकट होते हैं और वो मिलते हैं शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य जिसके पास होती है ये जादुई अंगूठी, शुक्राचार्य जब अपनी अंगूठी की पावर से देवताओं को खदाने की कोशिश भी करता है, उस वक्त महादेव बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। और महादेव के गुस्सा होने के बाद शुक्राचार्य की ये जादुई अंगूठी जा गिरती है धरती पर, और यहीं से शुरू होती है इस जादुई अंगूठी की सारी कहानी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दे कि हमें देखने के लिए मिला कि जब वीर और दंश की लड़ाई होती है, इन दोनों का महायुद्ध महालड़ाई होती है जिसमें सभी की जान दांव पर लगी होती है, और उसी वक्त शिवाय की एंट्री भी ठीक वैसे ही होती है जैसे असुर और देवताओं की एंट्री के बीच हुई थी महादेव की एंट्री। ऐसे ही वीर और दंश की लड़ाई के बीच शिवाय की एंट्री होती है और शिवाय अपने साथ ले आता है वीर को हिमालय पर। वहीं बता दे कि सभी ने देखा कि शिवाय सभी असुरों के बारे में जानता है, सभी असुरों की पावर्स के बारे में जानता है, यानी ये बात तो साफ है कि शिवाय कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार कैसे शिवाय सभी असुरों के बारे में जानता है? वीर जब भी शिवाय से किसी भी असुर के बारे में पूछता है तो शिवाय के पास हर असुर का पता होता है। अब इसी के साथ ये सब कुछ सामने आ रहा है कि शिवाय कोई और नहीं बल्कि शिवाय महादेव का ही अवतार है जो रहता है हिमालय पर। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, जिस तरह से असुर और देवता की बढ़ती लड़ाई के बीच महादेव ने आकर इस लड़ाई को रोका था, वैसे ही अब जब धरती पर बुराई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, बहुत ही कुछ बुरा होने लगा, तो शिवाय ने ली एंट्री और अंगूठी धारक यानी कि वीर को उसने दी ट्रेनिंग। वेल, बता दे कि यहाँ पर शिवाय वीर को सब कुछ सिखाता है। शिवाय जब वीर को दंश के हाथों से बचाता है, वो उसे अपने साथ लेकर जाता है, उसे ट्रेनिंग देता है, उसे अंगूठी तक पहुँचने का रास्ता भी दिखाता है ताकि वीर इस अंगूठी की पावर्स को हासिल कर सके। और ऐसे में शिवाय की ये धमाकेदार एंट्री हमें यहाँ देखने के लिए मिली। वहीं इसी के साथ बता दे कि अब शुक्राचार्य बहुत ही ज्यादा उलझन में है शिवाय को देखने के बाद, क्योंकि जब सदियों पहले शुक्राचार्य अपनी इस जादुई अंगूठी को ढूंढने के लिए धरती पर आए थे, तब उन्होंने शिवाय को ठीक इसी रूप में देखा था, और इतनी सदियों के बाद शिवाय को एक बार फिर से इसी रूप में देखना शुक्राचार्य के लिए काफी शॉकिंग साबित हुआ है कि आखिरकार ये लड़का कौन है, क्योंकि इतनी सदियों तक ये ऐसे ही जिंदा है और ठीक वैसा ही है। ये देखकर शुक्राचार्य बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अब वो शिवाय के बारे में सब कुछ पता करेंगे और उन्हें ये पता चल ही जाएगा कि शिवाय कोई और नहीं बल्कि शिवाय महादेव का ही एक रूप है जो ठीक महादेव की तरह ही बुराई को रोकने और अच्छाई को रास्ता दिखाने के लिए धरती पर आया है। और बता दे कि शिवाय बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, शिवाय के पास जादुई अंगूठी की सारी पावर्स पहले से ही हैं। जी हाँ, यानी इस जादुई अंगूठी में जो भी शक्तियां हैं शिवाय के पास वो सारी शक्तियां हैं, और अगर शिवाय इस अंगूठी को पहन लेता है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन बता दे आप सभी को कि शिवाय का असली मकसद जादुई अंगूठी को हासिल करना, जादुई अंगूठी की पावर्स को लेना
या फिर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना नहीं है, बल्कि शिवाय का मकसद है अंगूठी धारक को सही रास्ता दिखाना। जी हाँ, महादेव ने शिवाय को यही वरदान दिया है। शिवाय को इसी वजह से धरती पर भेजा गया है, इसी वजह से उसे रखा गया है कि जब भी कोई अंगूठी धारक इस अंगूठी को पहनेगा तो शिवाय उसे सही रास्ता दिखाएगा, ताकि अंगूठी धारक इस रिंग की पावर्स को हासिल कर सके। वेल, यहाँ पर शिवाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसके पावर्स को हम देख ही चुके हैं, जो सभी असुरों का सामना तो कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि वीर खुद इन असुरों का सामना करे, ताकि आने वाले वक्त में बिना शिवाय की मदद से वो अपनी धरती को बचा सके। ये सारी ही बातें जल्द ही शुक्राचार्य को भी पता चलती हुई नजर आने वाली हैं, और इसी के बाद शो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जब हमें देखना ये मज़ेदार होगा कि शिवाय और शुक्राचार्य का जब आमना सामना होगा तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग होगा। वेल, क्या कहना है आपका शिवाय को लेकर, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही साथ देखते रहिए सब टीवी पर हीरो गायब मोड ऑन।